आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये त्रिकोणमिति का पार्ट कितना है? पार्ट 6 है। पार्ट 7 में मैं आपको प्रॉपर जो है वो पूरा एग्जाम वाला सवाल कराऊंगा। अभी तक जितने मैंने 5 पार्ट करवाए, जितने भी कंसेप्ट मैंने समझाया है, उसमें जितने भी एग्जाम्पल लिए है ना, वो सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। और उस कंसेप्ट के ऊपर आज के डेट में जो है वो सवाल बनता है। तो एक एक चीज का नोट्स आप अपने पास रखिएगा। जब आपको रैंडमली सवाल कराऊंगा ना, तो आप मत बोलना सवाल समझ में नहीं आ रहा भैया। एक एक कंसेप्ट पर बच्चों की तरह मैंने आप सभी को समझाया है। और 1 मई से शाम को 6 बजे से आपका पूरा मैथ का क्लास बेसिक चैप्टर से, यानी पूरा बेस से जो है आप सभी को स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। नोट्स रखना। और कब वो चैप्टर कंप्लीट होगा और कब सवाल आपसे बनने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। आप सभी टाइमिंग याद रखिएगा, शाम को 6 बजे 1 मई से। तो क्लास स्टार्ट करवाते हैं जो 5 पार्ट। और हाँ, आप बोलेंगे भैया पांचों पार्ट कहां मिलेगा इसके पहले वाला, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पार्ट मिल जाएगा आपका ट्रिगो का। हालांकि चैनल पर आएंगे ना तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 भी आपको जो पार्ट है वो मिल जाएगा। 6ठे पार्ट को स्टार्ट करवाते हैं। पहले कुछ बात आप समझिएगा मोटा मोटी, ठीक है? पहले आप ये समझो, मान लो आप सभी के पास, समझिएगा सभी को समझ में आएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो, वरना बोलेंगे मैथ नहीं आता है, नहीं फिर कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। मान लो अगर आप सभी के पास दिया गया है a/b c/d, ठीक है? ये आपको दिया गया है, मान लो ये आप सभी को दिया गया है। अच्छा, आपने बचपन में या क्लास 10 में एक बार पढ़ा होगा कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाना कैसे करते हैं। तो एक बार देखो, अगर इसको लगाना हो तो क्या करेंगे, a+b a-b, यानी इसको ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, यानी अब क्या है, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो जो है वो लग चुका है। जब ये हम प्लस कर दिए और माइनस कर दिए मतलब लग चुका है बराबर। अब ऊपर में क्या होगा, प्लस c+d, नीचे c-d। अब एक बार और अगर लगाएंगे, अभी जो है वो लग चुका है, अभी लग चुका है, अब दोबारा लगाएंगे तो क्या होगा, देखो फिर से क्या होगा, देखते रहना क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। a+b, फिर प्लस ऊपर में प्लस a-b, उसके बाद a-b है ना, a-b, उसके बाद माइनस अब ऊपर वाला a+b। अब यहां पर क्या होगा, c+d, ऊपर में तो प्लस कर रहा है ना, फिर c- है ना, c-d, और बीच में क्या है, प्लस, नीचे c-d, और माइनस कर रहे नीचे में तो ऊपर वाला c+d। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास अल्टीमेट क्या निकलेगा, आप देखो एक बार, अगर ये प्लस खुलेगा, प्लस अगर खुलेगा तो ये बी और ये बी कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, हमारा 2a बचेगा। उसके बाद अगर ये माइनस खुला तो माइनस ए, और उधर ये प्लस माइनस बी हो जाएगा, यानी ये प्लस ए और ये माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी और माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा आपका 2b, ठीक है? बराबर सेम वो भी उतरेगा 2c बराबर 2d। उसके बाद क्या देख रहे हैं, 2 से 2 कटा 2 से 2 कटा, अल्टीमेट बचा क्या, वही चीज बचा हमारे पास a/b/c/d, एक ही चीज बच रहा है। आपको बस ये समझना है एक चीज, जब सवाल कराऊंगा तो ये चीज, बगल में मैं आपको क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत इजी तरीके से बनेगा। अगर आप देख रहे हैं ये सवाल दिया गया है, और जैसे ही मैंने कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाया, अभी लगाया, हर में क्या कर रहे हैं, अंश में क्या कर रहे हैं, तो देखो ऊपर में a+b कर रहे हैं, ठीक है, नीचे a-b, अब ये लग गया है c+d c-b। अब दोबारा लगाएंगे तो क्या होगा, a+b ऊपर जाएगा ये, तो प्लस a-b, नीचे a-b, नीचे माइनस कर रहे माइनस a+b, अल्टीमेट हमारे सामने क्या बच रहा है, यही चीज बच रहा है। अब इसको अगर सवाल के तरीके से लिया जाए तो कैसे कर सकते, देखिएगा, यही तरीका कुछ नहीं है, अल्टीमेट ये वाला यही चीज निकल रहा है। अगर मान लो आप सभी के पास सवाल दिया गया है a² + a² - a, ऊपर दिया गया है 5/4, आप क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी मेरे भाई बहन से, यह सवाल दिया गया है और आपसे पूछ रहा है a का मान क्या होगा, अगर ये चीज आप समझ गए तो आप आंख बंद कर बोलेंगे भैया आंसर जो है ना वो 3 होगा, प्लस माइनस,
कुछ भी मान लो, आप बोलेंगे भैया इतना जल्दी कैसे कर दी। यही चीज आपको समझाना है, अब इस एग्जांपल और लूंगा, यही चीज आपको समझना है। देखो मैंने एक बार में बोल दिया प्लस माइनस थ्री होगा, कैसे देखो आप एक बार देखो, यहां पर ए बाई बी सी बाई डी, लेकिन यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है ये वाला स्टेप यहां पर है, ये वाला स्टेप यहां पर है, ये वाला स्टेप यहां पर है, यानी एक बार लग चुका है। अब दोबारा जब लगाएंगे इसके बाद तो क्या होगा, देखो एक बार ए स्क्वायर प्लस ए, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे देखो नीचे क्या हो रहा है, वो चीज देखिए, ए स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद एक बार लग चुका है पांच प्लस चार पांच माइनस वन, यानी यहां पर अगर आप एक चीज देख रहे हैं, अगर ये ब्रैकेट खुले तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या टू ए स्क्वायर बटा में, उसके बाद जब ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस ए स्क्वायर है, ये कट जाएगा, माइनस एक और माइनस एक दो हो जाएगा, और ये दो दो कटेगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पांच में से ये चार है ना, पांच में से चार जाएगा एक, और पांच प्लस चार नौ, यानी ए स्क्वायर बराबर नौ है। तो a का मान क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं प्लस माइनस थ्री, या प्लस थ्री होगा या माइनस थ्री होगा, देख रहे हैं वही चीज है, बस आपको एक चीज समझना है, इतना लंबा नहीं टालना, मैं आपको एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप और बारीकी से समझ पाओ। देखो एक बार अगर मान लो यही एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाऊं, देखिएगा सवाल पर आते हैं, एग्जाम में ये सवाल बन चुका है, एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो एक बार आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बटा में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर दिया गया है पांच बटा चार, और आप सभी से बोला क्या है निकालने के लिए, आप सभी से निकालने के लिए बोला है टैन थीटा का मान क्या होगा, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब यहां पर ना आप सभी को मैं ये भी सिखाऊंगा थीटा का मान रखकर स्मार्टली कैसे कर सकते हैं आगे वाले पार्ट में, लेकिन आप उतना भी मत सोचो, आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं चुटकी में। देखो अगर आपको एक बात पता है, ये पार्ट कौन सा है, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार लग चुका है, और इसको और आगे लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, आप देखो वही बचेगा भैया साइन बाई कॉस बचेगा, और साइन बाई कॉस कितना बचेगा, साइन बाई कॉस कितना बचेगा ये आपको देखना है ध्यान से, यहीं पर बहुत जन गलती करेंगे। तो पांच प्लस चार नौ, नौ माइनस यानी साइन बाई कॉस नौ होगा, ये होगा ना साइन बाई कॉस नाइन होगा। अब आपको पता है मैंने बेसिक क्लास में बताया है टेन बराबर क्या होता है, भैया टेन बराबर ही तो साइन बाई कॉस होता है, तो साइन बाई कॉस की जगह पर टेन रख दिए तो टेन का मान क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे नाइन आ गया, आंसर सॉल्व हो गया, आंसर आप सभी का सॉल्व हो गया, कहां टाइम लगा बताओ। अगर आपको यह चीज समझ में आ रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यह पार्ट कौन सा है, यह पार्ट ये वाला है, जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यह निकल कर आएगा साइन बाई कॉस बराबर नौ, और आपको पता है टेन बराबर साइन बाई कॉस होता है, मैंने बेसिक क्लास में सभी को समझाया है, तो टेन का मान क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे टेन का मान भैया नौ हो जाएगा। अगर सवाल तो यह था आपका, अगर सवाल थोड़ा मैं और बढ़ा दूं, अगर आपको मैं बोलूं एक बात बताइए टेन स्क्वायर प्लस वन और टेन स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, सवाल मान लो ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये कुछ नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्ट क्या बोला है, सवाल इस प्रकार है, ये चीज दिया गया है और ये चीज निकालना है, देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है कि भैया कैसे बनेगा, यहां पर एग्जांपल दिखाए हैं कि ये पार्ट कौन सा, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी बराबर इतना, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे साइन बाई, आप इस स्टेप ये स्टेप सेम है, जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यही बचेगा अल्टीमेट, तो क्या बच जाएगा पांच प्लस चार नौ, और पांच में से चार गया एक, यानी इतना, यानी टेन बराबर बोल सकते हैं टेन बराबर नौ है, तो टेन स्क्वायर प्लस वन टेन स्क्वायर माइनस वन कितना होगा, आपको पांच सेकेंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर देने में, ये तो देखते देखते पता चल रहा है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो। यहां पर करेंगे नाइन का स्क्वायर बयासी, इक्यासी प्लस एक बयासी, और यहां पर इक्यासी माइनस एक अस्सी, तो इसको क्या बोल सकते हैं बयासी बट्टा अस्सी, इसको और तोड़ेंगे इकतालीस बट्टा चालीस हमारा आंसर है।
कुछ है प्रॉब्लम किसी को समझने में कि भैया बहुत टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, देख रहे हैं सवाल कितना लॉलीपॉप। एग्जांपल और लूं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। मान लो ये चीज आपको समझ में आया ना, मान लो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन दूंगा, आप सभी ट्राई करना और बताना इसका आंसर जो है वो क्या निकल कर आएगा। मान लो आप सभी के पास दिया गया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एट, बटा में दिया गया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में दिया गया है सेवन, और आपसे क्वेश्चन पूछा है सेक थीटा बराबर क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन निकालने के लिए बोला है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बोलिए क्या होगा, दिमाग में क्या लगा रहे हैं। आपको नजर आ रहा है ये वाला पार्ट ये है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, टेन बाई साइन थीटा बराबर आठ प्लस सात पंद्रह, और आठ में सात गया एक, यानी टेन बाई साइन हमारा पंद्रह आ गया। और आपको पता है टेन बाई साइन बराबर सेक होता है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया पंद्रह हो जाएगा। सिंपल चीज है, यह चीज समझ में आ रहा है ना, बेसिक क्लास में मैंने क्लियर करवा दिया ये चीज, बेसिक क्लास में ये सब चीज क्लियर करवाया गया है। यहां पर मैं अब दोबारा बेसिक वाला पार्ट नहीं समझा सकता, इसीलिए मैं बोला नोट्स रखो, जब रैंडमली सवाल कराएंगे तो आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा, कॉपी खोलना, सवाल बनना आपसे ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लगेगा, सीखने लगेंगे आप, और जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना सवाल बनने लगेगा। ये चीज समझ में आया ना, एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो कैसे सवाल बन रहा है, इसको मैं मिटाता हूं। यहां पर आप लिख लेना एक ऐसा कंसेप्ट जिससे बहुत चुटकी में सवाल बन सकता है। अब यहां पर आपकी एक और समझो ये चीज, हालांकि मैंने पार्ट टू में थोड़ा समझाया था, इसको थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो आपके पास, आप सभी को मैंने बताया था ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, दो थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री, कैसे भैया, तो मैंने आपको बताया था यहां पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, याद करो, अभी एग्जांपल और समझाएंगे, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, मैंने आपको यह चीज बताया था। इसका मतलब क्या है ना कि दो थीटा का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर आपको दिया गया है एक चीज ऐसे, इसको और एग्जांपल से समझाते ताकि आपको और बारीकी समझ में आएगा। अगर आपको दिया गया है साइन 45 डिग्री तो बराबर क्या होगा, बराबर दो थीटा का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो साइन 45 डिग्री है तो बटा में क्या होगा कॉट 45 डिग्री। अगर आपको दिया गया है साइन 1 डिग्री तो बराबर क्या होगा कॉट 89 डिग्री। अगर आपको दिया गया है साइन 43 डिग्री तो बटा में क्या होगा कॉट 47 डिग्री। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, दो थीटा का योग जो है वो 90 के बराबर है, और साइन बराबर कॉस होता है, टेन बराबर कॉट होता है, सेक बराबर कॉसेक होता है। अगर एग्जाम में बोल दे टेन 37 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे भैया कॉट 43 डिग्री के बराबर होगा, 40 57 57 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री। चीज समझ रहे हैं ना, चीज मैं बता के आ रहा हूं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके एग्जाम में, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट्स बनाते रहना जितने भी मेरे भाई बहन हैं। अब मान लो आप सभी के पास दिया गया है टेन 48 डिग्री, ठीक है, बटा कॉट 42 डिग्री प्लस 5, इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। अब आप जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो बोलेंगे भैया समझ ही नहीं आ रहा है, जबकि एक सेकेंड का टाइम नहीं है, एक सेकेंड का भी समय नहीं है। आप देखो टेन 48 बाई कॉट 42 प्लस 5 है, आप सभी को पता है अगर टेन 48 है तो बराबर क्या होगा भाई, आप बोलेंगे कॉट 42 होगा ना भैया, यही होगा ना कि नहीं होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो कॉट जब उधर जाएगा तो टेन बटा कॉट यानी ये दोनों मिलकर एक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक बनाएगा ना, एक बनाएगा, 90 डिग्री बराबर एक, एक बनाएगा यानी ये एक बनाएगा, तो एक प्लस पांच कितना होगा, आप बोलेंगे छह होगा, छह होगा, कुछ प्रॉब्लम। एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बनता है। मान लो अगर आपको मैं बोलूं
एक एग्जांपल मान लो, अगर आप सभी को बोला गया है सेक 42 डिग्री सेक मान लो आप सभी को दिया गया है 33 डिग्री और कॉसेक दिया गया है आप सभी को कितना, कॉसेक दिया गया है 57 डिग्री और आपको दिया गया है प्लस कॉट नहीं, मान लो आप सभी को दिया गया है कॉट प्लस इतना का मान पहले बताओ क्या होगा, तो आप सोचेंगे लेकिन आपको सोचना नहीं है, यही चीज सिंपल चीज बता रहा हूं, तो आप बोलेंगे आंख बंद कर एक होगा, क्योंकि पता है भैया ये कॉसेक जब इधर जाएगा ना तो सेक 57 यानी 2 डिग्री का 90 डिग्री, दो एंगल दो को जोड़ेंगे थीटा 90 वो एक के बराबर होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। सिंपल, अगर इसको और तोड़ू, इसको और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाऊं मैं, अगर मैं बोलूं आप इसका मान बताओ सेक 72 बटा में कॉसेक 180, ठीक है, उसके बाद 80 नहीं 18 है, ठीक है 18 थीटा है, गुना है, इस बार गुना है, और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है सेक 12 बटा कॉसेक 78। आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, आपको टाइम लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, यही सब चीज आगे जाकर बहुत बड़ा बनेगा, आपको दिखाई दे रहा है 72 और ये 18, सेक का उल्टा कोसेक होता है, दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाता है, ये एक हो गया, ये गुना एक हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, आप बोलेंगे आंसर भैया 2 हो गया। कुछ सवाल में ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत हार्ड है, एक सवाल आप और पकड़ना। मान लो एक चीज लेकिन आपको यहां पर समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, आप यहां पर देख रहे हैं साइन, मान लो ए है ये बी है, साइन ए थीटा बराबर कॉस ए बी, इससे यहां पर क्या निकालें कि ये और ये मिलकर 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का मान एक होता है, चीज समझना, यहां पर ए प्लस बी 90 डिग्री है, यही दो थीटा मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी 90 डिग्री। अगर एक सवाल में लू जो एग्जाम में आ चुका है 2019 में एग्जाम में सवाल आ चुका है, अगर मैं इसको पकड़ू सवाल को, मान लो आप सभी को बोला गया है, समझना, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर कॉस, यहां पर 3 दिया गया है, कॉस 3 एक्स प्लस वाई, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टेन 2x प्लस वाई का मान कितना होगा, ये आपको बताना है क्या होगा। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एग्जाम का 19 में आया हुआ है और एक टाइम देखकर 10 से 15 सेकंड ज्यादा नहीं लगने वाला। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू, एक होगा, दो होगा, थर्ड ऑप्शन 0 होगा और चौथा ऑप्शन अंडर रूट 3 होगा, आप बोलो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट 20 सेकेंड का टाइमर दे रहा हूं, आप सभी को इसका आंसर बताना है क्या होगा। देखो कुछ नहीं है सवाल में, यहां पर बस लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक को कैसे करेंगे। तो अगर आपको यह चीज दिया गया है, यह चीज दिया गया है, इसका मतलब यह हो रहा है, यहां पर मैंने आपको समझाया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी ये दोनों थीटा मिलकर कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो भाई इसका मतलब यही तो हो रहा है, ये दोनों मिलकर यानी एक्स प्लस वाई बाई थ्री यहां पर प्लस है ना, ए प्लस बी, यानी ये दोनों मिलकर, तो अगर मैं जोड़ू एक्स प्लस वाई और प्लस थ्री एक्स प्लस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, आप बताओ, ये 3x प्लस वाई है, ये एक है, तो आप बोलेंगे ना 4x प्लस वाई होगा भैया, और ये 4x प्लस वाई क्या है, 90 के बराबर है, यानी 90 थीटा के बराबर है 4x प्लस वाई, देख रहे हैं, यानी, और आपसे पूछा क्या है, tan और sin by cos का मान tan होता है, आपको पता है ना, यानी इसका आधा मतलब 90 का आधा कितना, 45 डिग्री, यानी इस चीज को बोल सकते हैं हम सभी tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है, चीज समझ रहे हैं, कितना स्पीड से बन रहा है, लेकिन आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, ये a प्लस बी 90 डिग्री होता है, तो साइन a थीटा बराबर कॉस b थीटा इतना होगा, ये मैंने आपको समझा दिया है, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा, सेम क्वेश्चन था यहां पर, साइन x प्लस वाई बराबर कॉस
3x plus y, और आपको पता है ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाता है, तो ये दोनों मिलकर कितना बना रहा है 4xy, और ये 4xy 90 डिग्री के बराबर है। आपसे पूछा है tan 2xy और sin by cos क्या होता है, तो tan होता है। अगर ये 90 डिग्री के बराबर 4x plus y है तो 2x plus y क्या होगा, 90 का आधा 45 डिग्री, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको करंट समझाया है, मान निकालना समझाया है, हर एक बेसिक चीज क्वेश्चन कैसे बना नोट्स रखना। जब मैं आपको रैंडमली सवाल कराऊंगा ना तो आप बोलना भैया एक एक सवाल बन रहा है, हो सके स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम करे, पॉसिबल है, लेकिन आप याद रखना जितना प्रैक्टिस करोगे कमांड आता चला जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देखो, मान लो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक बार देखिएगा एक चीज और, यहां पर सब एक एक नोट्स आप सभी के पास रहना चाहिए। मान लीजिए ना आप सभी को मैंने अभी बताया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। ये एक मान और याद रखना आप सभी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, रट्टा मार लेना, यहां पर मैं रट्टा मार लेना आप सभी, tan a गुना है बीच में, tan b बराबर भी एक होता है। अभी मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, प्लस और क्या, और क्या होता है, cot a गुना cot b, ये भी बराबर 1 होता है। ये दोनों भी आप याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है और रिसेंट में बन रहा है, कैसे, बस ये दोनों होता है याद रखना, tan a गुना tan b बराबर 1, cot a गुना cot b बराबर 1। एग्जाम्पल देखो, मान लो आप सभी यहां पर आ जाओ, आप सभी को मैंने बताया था ना a प्लस बी यानी tan a, tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे cot थीटा यानी cot b, और ये दोनों मिलकर कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। तो tan a जब ये इधर आएगा, इधर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, एक बात ना आप बहुत प्यार समझना, अच्छा cot b को हम cot को क्या लिख सकते हैं, तो स्टार्टिंग क्लास में, पहले क्लास में मैंने बताया था tan बराबर 1 बाई cot होता है, बताया था cot बराबर 1 बाई tan होता है, बताए थे ना, तो ये cot के जगह पर 1 बाई tan तो लिख सकते हैं ना, tan b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। तो tan b जब इधर जाएगा तो tan a गुना tan b बराबर 1 नहीं होगा, तो ये आइडेंटिटी याद रखना, tan a गुना tan b 1 होता है। और सेम उसी तरह अगर इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें तो tan a के जगह पर लिख सकते हैं 1 by cot a बराबर cot b, और जब ये इधर जाएगा तो कितना होगा, cot b गुना cot a इक्वल टू 1, यानी cot a गुना cot b भी 1 होता है, ये भी याद रखना, ये तो याद रखना ही रखना, sin a बराबर cos b, cot a बराबर cot a बराबर tan b, sec a बराबर cosec b, साथ साथ में दो चीज और याद रखना, एग्जाम में cos क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लू, एग्जाम्पल अगर लिया जाए, और आप सभी को पता है एग्जाम्पल ले तो, मान लो आप सभी को, हां एग्जाम्पल लेना, आप सभी तीन चार एग्जाम्पल लेना तब और आपको क्लियर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ भैया, अगर tan 6 डिग्री दिया गया है तो tan क्या होगा, tan क्या होगा, अगला क्या होगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा भैया, tan 84 बराबर 1, 84 × 6 = 9, यानी यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर tan 1 डिग्री दिया गया है तो tan 89 डिग्री होगा, और ये कितना बनाएगा, 89 1 90 1। यहां पर प्लस मत देखना, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, रट्टा मार लेना, tan a गुना tan b बराबर 1, cot a गुना cot b बराबर 1। अगर एग्जाम्पल और लू और एक्सप्लेन करूं लंबा, तो एक बार देखना एग्जाम का क्वेश्चन है, आप यहां पर देखना, अगर आपको बोला गया है tan 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद ये गुंटू है, tan 43 डिग्री गुना tan 47 डिग्री गुना tan 53 डिग्री
उसके बाद आपको बोला है tan 15 डिग्री, उसके बाद गुना tan 37 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ऐसा सवाल एग्जाम में आपने काफी बार देखा होगा और छोड़कर आते हैं, जबकि छोड़ के आने वाला चीज ही नहीं है। आप बताओ क्या छोड़ना क्या है इसमें? आप सभी को मैंने बता दिया ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएगा और ये एक के बराबर होगा, तो tan 43 और 47 90, ये एक बनेगा, एक बनेगा। उसके बाद और क्या है, ये 43 और ये 37 एक बनेगा, गुना उसके बाद ये 30 बच गया और वो 15 बच गया, यानी 45 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 वो 1 और ये 10 15 और 10 30 कितना 45, यानी एक गुना एक एक, यानी tan 45 बच जाएगा। और tan 45 का मान पता है ना कितना होता है? आप बोलेंगे एक हो गया आंसर। अगर एग्जाम में ये 30 नहीं होता, ये 15 नहीं होता, फिर भी आपका आंसर क्या होता? एक, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक बना रहा है, वो दोनों मिलकर एक बना रहा है, तो आंसर क्या होगा? एक। लेकिन एक के साथ साथ यहां पर 30 और 15 था, यानी tan 45, यानी tan 45 को अगर गुना करें एक से तो कितना बचेगा? tan 45 ही बचेगा। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? एक होता है। ये लॉजिक समझना tan और cot वाले केस में। बार बार बोल रहा हूं, एक एक नोट्स अपने पास रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारा, मतलब बहुत सारा बनता है। रैंडमली जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप मत बोलना भैया समझ में नहीं आ रहा है, छठा पाठ है ये वाला। अभी तक तो ये चीज आपके दिमाग में बहुत कुछ बैठ गया होगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर मान लो ठीक है, यहां पर एक चीज और समझना, ये सब चीज ना कॉपी में ब्लू पेन देखकर नोट्स करते रहना, आप सभी इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अभी थीटा का मान रखकर बनाते कैसे वो भी दिखाऊंगा। यहां चीज और याद रखना आप सभी, यहां पर कि साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर एक होता है। और यहां पर अगर बोल दे, ये भी चीज याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर एक होता है। ये चीज भी आप गांठ बांध लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं आप सभी को, साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 46 प्लस साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 46 दिया गया है, 44 दिया गया है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है भैया, हमको तो याद है ना साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनाता है और ये एक के बराबर होता है। 48 और ये 42 90 हो जाएगा, एक बन जाएगा। और ये 46 और 44 एक बन जाएगा, यानी एक प्लस एक, आप बोलेंगे आंसर दो होगा। याद रखना एक एक स्टेप, बहुत एक्चुअल में ट्रिगो जो है वो बहुत स्पीड बनता है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम का है जो हाल फिलहाल में स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देखना। अगर आपको दिया गया है साइन साइन 20 थीटा बराबर एक्स दिया गया है, ठीक है ना, और यहां पर दिया गया है साइन 70 थीटा बराबर वाई दिया गया है, ठीक है, और आपसे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। हाल फिलहाल का एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे आंसर होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आप सभी को पता है ना, आप सभी को पता है अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है अगर दोनों थीटा अगर जुड़े तो वन बनता है, यानी साइन 20 थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर कितना 70 थीटा बराबर कितना एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर 90 बन रहा है, तो क्या होगा आंसर, वन ही तो होगा आंसर, कुछ होगा क्या, आंसर तो वन ही होगा, कुछ तो होगा नहीं। तो एक एक चीज अभी सातवें पार्ट में ना मैं आपको दिखाऊंगा थीटा का मान रखकर सवाल बहुत स्पीड से कैसे बनाते, स्पीड मतलब बहुत स्पीड से, ठीक है। सातवें पार्ट का वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा, कल शाम को 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है ना, चलिए।